आप बहुत अच्छे से होंगे अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होंगे So सब सर्दियां तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं बट सर्दियों में धूप में बैठ बैठ के हमारी स्किन पूरी तरीके से टैन हो चुकी है आप फेस की बात करें आप आर्म्स की बात करें पूरी बॉडी हमारी टैन हो जाती है अगर आप धूप में कुछ देर के लिए ही बैठते हैं तो भी सर्दियों में धूप में बैठना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो हर कोई धूप में बैठता ही है विदाउट एनी टेंशन कि टैन हो जाएगा या स्किन खराब हो जाएगी ये तो बाद में हमें रियलाइज होता है कि स्किन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है बट नाउ इट्स इी टैन योर सेल्फ अगेन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टू स्टेप होम मेड फेशियल जिसे आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मिल जाएंगे एंड सिर्फ टू स्टेप्स हैं इजीली हर कोई इसे कर सकता है अपनी स्किन से टैन को हटा सकता है को ब्राइटन अप कर सकता है ग्लोई बना सकता है तो चलिए विदाउट मच डू स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर ये ईजी सा फेशियल रूटीन आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा लेट्स गेट सो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग जिसके लिए हमें यूज करना है राइस फ्लार यानी कि चावल का आटा अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं वो इस फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है और वो क्या है वो है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर यानी कि गुड़ल के फूल का पाउडर मैंने ऑनलाइन लिया है आप चाहें तो घर पे भी गुड़ल के फूल को सुखाकर उसका पाउडर बना के रख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट में इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्रॉप्स विटामिन ई e ऑयल के या फिर विटामिन ई e का एक कैप्सूल आप डाल सकते हैं और इसके बाद हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर रोज़ वाटर की जगह आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा स्क्रब बन के तैयार हो गया है स्क्रब करने से पहले अपने फेस को वेट कर लीजिए प्लेन वाटर से या फिर रोज़ वाटर से मेरी तरह और उसके बाद हम जेंटली अपनी स्किन को स्क्रब करेंगे सर्कुलर मोशन में इस तरह से रब करते हुए बहुत ही जेंटली आपको करना है बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है इसमें मैंने यूज़ किया है हिबिस्कस पाउडर एंड राइस फ्लार राइस फ्लार क्या करता है आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है जिससे डेड स्किन निकल जाती है ब्लैक हेड वाइट हेड्स निकल जाते हैं स्किन में डिस्कलरेशन हो स्किन में पैचेज हो वो रिमूव हो जाती हैं और स्किन सॉफ्ट एंड सपल बन जाती है साथ ही इसमें मिल रही है गुडनेस हिबिस्कस पाउडर की हिबिस्कस आपकी स्किन को देता है एक रोज़ी ग्लो तो इस तरह से आप स्क्रब करेंगे तो देखेंगे स्किन से सारी डेड स्किन निकल गई है और स्किन सॉफ्ट बन गई है एक से दो मिनट स्क्रब करने के बाद फेस को आपको लूक लूकवम वाटर से वॉश करना है एंड देन पैटेड ड्राई करने के बाद इमीजिएटली आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है सारी डेड स्किन रिमूव हो गई है और अब हमारी स्किन रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट नेक्स हमें यूज़ करना है पैक जिसके लिए हम लेंगे हिबिस्कस पाउडर एक से दो चम्मच हिबिस्कस पाउडर ले लीजिए इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्रॉप्स आमंड ऑयल की आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं और साथ में मैं मिक्स करूँगी रोज़ वाटर फिर से बता रही हूँ रोज़ वाटर की जगह पे आप मिल्क या फिर कर्ड भी ऐड कर सकते हैं मैं सिंपली रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ यही बहुत अच्छा काम करता है अब एक ब्रश की हेल्प से इस पैक को अप्लाई कर लीजिए ऑल ओवर योर फेस एंड नेक एक अच्छी सी लेयर अप्लाई कर लीजिए बिस्किस हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसमें होते हैं एंटी जो आपकी स्किन से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है आपकी स्किन को एजिंग साइंस से बचाता है स्किन को यंग एंड यूथफुल बनाए रखता है ये नेचुरली आपकी स्किन को क्लेंस करता है आप देखेंगे जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आप ख़ुद फील करेंगे स्किन में कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है सॉफ्ट हो गया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक नेचुरल सा पिंकिश ग्लो आ गया है आपकी स्किन पे तो अगर आपने आज तक हिबिस्कस का यूज़ नहीं किया है तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा पैक को अप्लाई करने के बाद हम फिफ्टीन मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे एंड मैं आपको दिखाती हूँ इसका इमिजट इफ़ेक्ट ये देखिए स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करने लगती है क्लीन हो जाती है ये आपको खुद फील होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे तो मैं हिबिस्कस फ्लावर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपने यूज़ नहीं किया है तो ज़रूर यूज़ करिएगा चलिए मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ ये देखिए स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आपको दिख रहा होगा चीक बोन्स ऐसे शाइन कर रहे हैं रोजी सा ग्लो आ गया है पता नहीं कैमरा इसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं बट जब आप इसे यूज़ करेंगे तो फ़र्क आप खुद फील करेंगे इस नेचुरल से टू स्टेप फेशियल को आप भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा हिबिस्कस पाउडर के साथ ट्राई करिएगा फ्रेश पाउडर घर पे बना लीजिए या फिर ऑनलाइन ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है अपने डेली रिजीम में डेली फेस वॉश में भी इस पाउडर को आप ऐड कर सकते हैं आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो आने वाला है एक नेचुरल शाइन आने वाली है तो so गाइस बहुत सारे लोग होम मेड फेशियल की डिमांड कर रहे थे आई होप आपको पसंद आया हो बहुत ईजी टू स्टेप फेशियल मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको जरूर से जरूर पसंद आएगा अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो स्किन आपकी ब्राइटन अप भी होगी स्किन से सारा टैन रिमूव होगा सारी इंप्योरिटीज रिमूव होंगी एंड स्किन आपकी नेचुरली ग्लो करेगी इस फेशियल का की इंग्रेडिएंट था हिमबिस्किस पाउडर यानी गुड़हल के फूल का पाउडर ये आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा जो मैं यूज करती हूँ उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी बट इनकेस आप इसे बाय नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेश जिसको फ्लावर ले लें उसे आप ड्राई कर लें धूप में नहीं छांव में ड्राई करिएगा उसके बाद इसका पाउडर बना लें बिल्कुल फाइन सा और उसे भी आप यूज कर सकते हैं आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा ताकि ऐसे ही स्किन के रूटीन होममेड डीआईवाईज मैं आपके साथ शेयर करती रहूं चलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ टेक केयर एंड बाय-बाय